सो गाइज, लगातार सीबीएसई ने काफ़ी चीज़ों को बदलाव किया और बदलाव भी ऐसे कि समझ से आना बाहर है कि सीबीएसई एक्चुअली में चाहती क्या है अपने टर्म टू एग्जाम्स को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स, और मैं इसे कह सकता हूँ कि सीबीएसई का अब तक का वर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ एनी काइंड ऑफ बोर्ड एग्जाम। गाइज, आगे बढ़ी इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बता दूं कि हम काफ़ी बड़े बड़े चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप लोगों को जानना उन सभी का बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। गाइज, एक मूवी मैंने देखा था, थ्री इडियट्स, जिसमें कि प्रोफेसर जो हैं वो अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, और वही चीज़ यहाँ पर है। अभी गाइज, अगर हम कल जो अपडेट्स निकल करके आया और हमने जो कल आपको लेट नाइट अपडेट भी दिया, अगर उस पर हम नज़र डालें तो आई एम जस्ट रियली मच शॉक्ड। व्हाई आई एम शॉक्ड, क्योंकि जिस तरह का टर्म टू का सैम्पल पेपर आने की बात चल रही है, एग्जाम पैटर्न पे काम चल रहा है, सीबीएसई जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर के बहुत शॉकिंग चीज़ें निकल करके आ रही हैं। मतलब बिलीव नहीं हो पा रहा है कि सीबीएसई ऐसा कुछ करना चाहती है या कर रही है। अभी आप गौर करो, जैसा कि अभी तक आपको पता चल चुका है गाइज कि जो आपका टर्म टू का सैंपल पेपर है वो बहुत जल्द आपके पास में पहुंच जाएगा, और ना सिर्फ पहुंच जाएगा बल्कि ये सैंपल पेपर कोई नॉर्मल ढंग से नहीं पहुंचेगा, इसके साथ में पहुंचेंगे बहुत बड़ा मेजर पैटर्न चेंज होने वाला है, बहुत बड़े चेंजेस के साथ में ये आपके पास आएगा। और आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग चीज भी है, क्योंकि आपको जो सैंपल पेपर मिलने वाला है टर्म टू एग्जाम के लिए वो एक सैंपल पेपर नहीं होगा बल्कि दो दो होंगे। डोंट यू थिंक सो, इट्स स्ट्रेंज, बहुत अजीब चीज है, दो दो सैंपल पेपर्स, ठीक है, दो दो सैंपल पेपर्स, वो भी दो दो सैंपल पेपर किस तरह के। पहला सैंपल पेपर वो होगा जिसमें कि 100% जो है वो सब्जेक्टिव सैंपल पेपर होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, वो होगा पूरी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें 2 से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जा रहा है, और 1 नंबर वाले क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो सैंपल पेपर आ रहा है वो 100% होगा ऑब्जेक्टिव सैंपल पेपर। अब देयर इज अ बिग क्वेश्चन, समझो बात को, After all, why it is being needed? मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें दो दो सैंपल के ऊपर में उतरना पड़ा। जो सिंपल भाषा में समझा रहे हैं या समझ रहे हैं उनका कहना है कि भाई ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए सीबीएसई एक यूनिक वे में निकल रही है, और इस वजह से ये दो सैंपल पेपर्स को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। चलो मान लेते हैं, लेकिन डोंट यू थिंक सो इट्स अ काइंड ऑफ बिग एक्सपेरिमेंट विथ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12? क्लास 10-12 के लाखों बच्चों के साथ में ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है। कितने समय बाकी हैं हमारे टर्म टू एग्जाम्स के लिए, मैं बताता हूं, अगर किसी की गिनती खत्म हो गई हो तो, जिन लोगों ने बनाया उन्होंने शायद इस चीज को नोटिस नहीं किया, वी हैव जस्ट 2 मंथ्स, जनवरी फरवरी। मार्च में आप कहते हो यार आप एग्जाम लोगे, ठीक है, कैसे लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन लोगे बोल रहे हो, चलो ठीक है। तो जब 2 महीना बचे हैं गाइस, तो 2 महीना में क्या क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई किस तरह के होंगे? अभी हम किसको नोटिस करना चाह रहे हैं कि सिचुएशन सिनारियो उस वक्त का कैसा होगा। ये अगर कोई और चीज होता तो मैं कहता बिल्कुल सही काम हो रहा है, ऐसा ही प्रेडिक्शन पे चलना चाहिए कि भाई उस समय क्या होगा, लेकिन मामला क्या है, ये मामला है बोर्ड एग्जाम का, जहां पे लाखों बच्चे, जिसमें हर तरह के लेवल के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, कोई तेज होता है, कोई कमजोर होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज भी होते हैं, तो सबको, सबके तैयारियों का लेवल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सारे बच्चे जो सोचते हैं या सोच पाते हैं वो एक जैसा नहीं सोच पाते हैं। तो मतलब मामला क्या हुआ कि 2 महीना में जब क्लैरिटी होनी चाहिए थी, तो यहां पे क्या आ रहा है कि यार दो तरह के चीजें होने वाली हैं, आप सब्जेक्टिव के लिए भी 100% तैयार रहो, 100% ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रहो, और सडनली जो होगा सिचुएशन सिनारियो उस अकॉर्डिंग आपको पार्ट करना पड़ेगा, आपको सारा चीज करना पड़ेगा। अब ये कितना फेयर है कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताओ, और मैं चाहता हूं गाइज कि आप लोग किसी भी हालत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप शेयर कर सको शेयर करो, बिकॉज दिस इज लिटरली अ वेरी बिग क्वेश्चन, और ये बहुत बड़ा सवाल भी है, बहुत जेन्युइन सवाल है जो हम उठा रहे हैं। प्रिंसिपल्स की अगर माने तो आज सुबह मेरा कुछ प्रिंसिपल से बात हुआ, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स का कहना था भाई इसमें एडवांटेजेस बहुत हैं, दो तरह के सैंपल पेपर रेडी हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी और सब्जेक्टिव बेस्ड भी, तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए। एक रूप में मैं सोचूं तो एग्री करता हूं, लेकिन जब मैं डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हूं तो मैं डिसएग्री करता हूं। इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि मतलब दिमाग में कंफ्यूजन लेवल जो है वो बच्चों का बढ़ रहा है। अब क्योंकि बच्चों से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हमें भी बच्चों के जो मन में जो चलता है वो समझ में आता है कि बच्चे क्या सोच पा रहे हैं।
यहां पे मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि दो तरह के सैंपल पेपर ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि न्यू क्वेश्चन इवैल्यूएशन पॉलिसी भी आ रहा है। इस बार का जो क्वेश्चन इवैल्यूएशन होगा, कॉपी चेकिंग जो होगा, उसका पॉलिसी भी डिफरेंट होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, अभी जैसे टर्म वन एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड था, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, तो उसका ओएमआर शीट में आपने टेस्ट लिया। अब अगर आप बोलते हो यार मेरे को 100% सब्जेक्टिव लेना है, तो आप कितना दिन पहले बच्चों को बोलोगे? चलो बताओ, सोचो कितने दिन पहले सीबीएसई जो है या सीबीएसई ऑफिशियल्स वो बच्चों को खबर करेंगे, क्योंकि खबर तो कभी भी बदल सकता है। जैसे कि मैं अभी जब अपलोड करने वाला था वीडियो को, तो सडनली मेरे पास में मेरी टीम ने एक रिपोर्ट ला के दिया। मैं आपको बता दूं, अभी जिस वक्त ये आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, उससे कुछ आधा घंटा पहले जब मेरे पास मेरी टीम ने मुझे दिया था, उस वक्त भारत में 13,194 केसेस देख लिए गए हैं, जिसमें 900 से अधिक केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। 70% हाइक देखा गया है मुंबई के केसेस में और 50% हाइक देखा गया है दिल्ली के केसेस में। नाइट कर्फ्यू सब तरफ लग चुका है, इश्यूज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, लंबा होते जा रहा है। डोंट यू थिंक सो कि हम लोग कंट्रोवर्शियल ज्यादा बना रहे हैं और कहीं ना कहीं खिचड़ी बनाने की चीजें हो जा रही हैं। इससे अच्छा ये होता कि हम बच्चों को डायरेक्ट बताते यार कि सिचुएशन अभी बहुत मुश्किल है। एक तो वैसे ही 50% सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, नहीं हो पाएगा, हो किस तरह से बच्चे करेंगे, टीचर्स किस तरह से करेंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले स्कूल्स प्रिंसिपल्स हेड्स ने सीबीएसई को इस बात में कहा था कि भाई हम लोग बहुत वरिड हैं कि 50% सिलेबस 2 महीनों में कैसे कवर करें। इसलिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने 27 दिसंबर के अपने मीटिंग में ये भी कहा कि भाई जो एग्जाम है वो मार्च में नहीं लेकर के अप्रैल के फर्स्ट वीक में लेना चाहिए, वहां से शुरू होना चाहिए। अब बताओ आप क्यों ये स्कूल्स प्रिंसिपल्स क्यों वरिड है? दो वजह से, एक 50% सिलेबस कवर कैसे होगा, दूसरा अगर फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आ गए तो मुसीबत कहां कैसे होंगी, तीसरा मैं एक और पॉइंट जोड़ दे रहा हूं, तीसरा कि भाई सबसे बड़ा बात है कि हर स्कूल अपने एक रैंकिंग के लिए, एक रेपुटेशन के लिए भी लड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं काफी हद तक सही भी। आखिरकार आप किसी कॉलेज या स्कूल को चुनते हो तो क्या चीज देख के चुनते हो? उसके रैंकिंग, उसके रेपुटेशन, उसका पिछले साल का जो रिजल्ट रहा उसको देख करके आप चुनते हो। कोई भी गार्जियन यही देख के चुनता है, तो वो तो क्रैश होना तो निश्चित है। या तो फिर क्या होगा, वही देश भर में जो अभी हुआ, जैसे कि तमिलनाडु में हुआ कि कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने, नॉट प्रिंसिपल्स सॉरी टीचर्स ने बच्चों को एग्जाम में हेल्प किया। अब वो पेपर लीक से भी हेल्प हुआ, आंसर को मिसगाइड करने में भी हेल्प हुआ, मतलब हर तरह से हुआ। और पेपर लीक तो खैर बड़े पैमाने पे हुआ, क्वेश्चन पेपर में जितने इश्यूज हमने इस टर्म वन एग्जाम में देखा उतना तो मेरे ख्याल से 200 साल में बोर्ड एग्जाम में उठा लेने से नहीं मिलेगा, कि हर दिन प्रॉब्लम्स था, है ना। अब यहां पे देखिए सीबीएसई के जो डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं डॉक्टर जोसेफ एमैनुअल, उनका उन्होंने क्या किया है, सीबीएसई कमिटी को इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई आप दो तरह के सैंपल पेपर पैटर्न पे काम करो, एग्जाम पेपर पैटर्न पे काम करो। सैंपल पेपर पैटर्न पे दो तरह से सीबीएसई अगर काम करेगी, कमिटी काम करेगी, वो कर भी लेगी, बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सवाल तो मैं पूछूंगा। एंड आई थिंक आई हैव ईच एंड एवरी राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि कंफ्यूजन है। दो तरह के सिलेबस, दो तरह के सैंपल पेपर्स, दो तरह के सैंपल पेपर्स के काउंटर के लिए नेचुरल है, जो डिफरेंट पब्लिशिंग कंपनीज होगी, बुक्स पब्लिशिंग कंपनीज, वो उसके काउंटर के लिए अलग अलग टाइप के फिर बुक्स भी शायद निकालना शुरू करें। दो तरह का गार्जियन के ऊपर खर्चा, बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर, लॉट्स ऑफ प्रेशर, मीन्स सो मेनी थिंग्स आ दिया, जिसका जवाब अभी हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है गाइज, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतने पे ही यहां पे बात खत्म नहीं हुआ, डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक सीबीएसई के जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि न्यू स्टाइल ऑफ क्वेश्चन असेसमेंट इज आल्सो बी देयर टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर टर्म टू, ये भी चीज होगा। और साथ ही साथ में गाइस मामला यहां पे ये है कि अभी बच्चे किस तरह से इन चीजों को कॉप अप करेंगे, बहुत ही मुश्किल है इस चीज को करना। और मेरे ख्याल से देखो, मैं जब अपने चैनल से बच्चों आता हूं, या पेरेंट्स जो भी मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, टीचर्स वॉट एवर होम सो एवर, मैं जब भी अपनी चीज़ पर आता हूं तो मैं ये सोच करके वीडियो ज़रूर बनाता हूं कि मुझे बस बोल करके एक मिनट डेढ़ मिनट में खाली सिर्फ देख के पार नहीं होना है, हमें आवाज़ बन के निकलना है, पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, स्कूल्स की तरफ से भी, और सबसे बड़ा मेरे जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भी। आफ्टर ऑल उनकी तरफ से कौन बात सुनेगा, अभी
टर्म वन एग्जाम में 30 नवंबर से जब क्लास टेंथ का सारे पेपर शुरू हुए तो हमने डे वन से पहले ही पेपर से आवाज उठाना शुरू किया, तो थैंक गॉड सीबीएसई ने कुछ सुना तो सही, 2 दिसंबर को सर्कुलर निकला तो सही, सीबीएसई ने अपने एरर्स को माना तो सही, हाँ नहीं तो क्या होता। सो आई पर्सनली फील कि मैं काउंटर क्वेश्चंस करूंगा और अगर बच्चों के हित में होगा तो डेफिनेटली वी ऑल विल सपोर्ट सीबीएसई। तो गाइज आप लोगों के विचार क्या हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। और यार एक बात बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे मुझे लगता है 1-2 चैनल भी नहीं होंगे ठीक से जो स्टूडेंट्स के फेवर में आकर के बोलते हैं या सही बात को उठाते हैं बिना हिचके हुए, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए। सो प्लीज़ यार आप सपोर्ट करो हमारे चैनल को, बिकॉज रियली अभी अगर हमने यहीं से नहीं उठाया तो बाद में आप ट्विटर करते रह जाओगे, मेल करते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। हमें अभी से सारी बातों को समझना होगा, अगर हमारे हित में है, स्टूडेंट्स के हित में है तो फिर फाइन, नहीं है तो हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि कई बार शोर करने से ही या आवाज़ उठाने से ही या सही बातों को पुट करने से भी बातें निकलती हैं, उसका सॉल्यूशन निकलता है। सो प्लीज़ यस हेल्प अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा और उस पर हम कुछ स्ट्रैटेजीज पे भी बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो जितना ज़्यादा से आप शेयर कर सकें ज़रूर कीजिए, आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिए स्टडी विथ विशाल सर, ठीक है, और ट्विटर हैंडल है मेरा @विशालआर्यव। सो प्लीज़ डू जॉइन अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, जय हिंद जय भारत।